नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन करें कक्षा 9 और हमारा जो विषय है हिंदी। हिंदी में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1 का गद्य भाग, और उसमें हमारी जो दूसरा अध्याय है राहुल सांकृत्यायन का, ल्हासा की ओर ये यात्रा वर्णन है, तो जिसका राहुल जी ने काफ़ी विस्तृत विवेचन किया है। यात्रा के साथ साथ वहाँ के जो गांव हैं उनकी जीवन शैली कैसी है उसका वर्णन भी इसमें किया गया है कि किस प्रकार से यहाँ के लोग छुआछूत को नहीं मानते, हर प्रकार के जो भेदभाव हैं उनको नहीं मानते, यहाँ पे जो भिखमंगे हैं निम्न श्रेणी के, तो उनको जो है घर में नहीं आने दिया जाता, बल्कि बाकी अन्य कोई भी घर में अंदर तक जा सकता है। तो इस प्रकार की जो बात है वो बताने का प्रयास इसमें किया है, वो हमने पढ़ा है भाग 1 के अंतर्गत। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम भाग 2 के अंतर्गत कि लेखक आगे हमें क्या बताना चाहता है, किस प्रकार की जो संस्कृति है उसे हमारा परिचय करवाना चाहता है, और किस प्रकार के जो जीवनचर्या है लोगों की वह हमें बताना चाहता है। तो ये सब जानने के लिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम ल्हासा की ओर भाग 2 के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं इसमें कि परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। अब ये राहदारी क्या होती है? जो राहदारी है तो एक प्रकार का रास्ते का टैक्स कह सकते हैं कि आपके पास में इसकी परमिशन है या नहीं है। तो हमने वह दोनों चिंटें उसे दे दी। अब चिंटें मतलब, अब चिट्टें कह इसमें कह सकते हैं, चिट्टें जो हैं वो दे दी, दो चिट्टें जो क्या थी कि गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए जोड़पोन जो है यानी कि जिसको मजिस्ट्रेट कहते हैं उसके हाथ से लिखी जो है राहदारी जो लेखक ने अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से उसको दे दी थी, जो राहदारी मांगने वाला व्यक्ति आया था। शायद उसी दिन हम थोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। अब ये थोडला क्या है? थोडला जो है तिब्बती सीमा का एक स्थान है। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। अब ये सुमति कौन है? अब सुमति जो है लेखक की यात्रा के दौरान जो मिला उसको मंगोल भिक्षु था ना, और जिसका नाम लोबजुल शेख था, तो वह था ये सुमति। लेकिन लेखक ने अपनी सुविधा के लिए उसका नाम सुमति रख दिया था। तो सुमति के जान पहचान के आदमी थे वहाँ पे, और भिखमंगे भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। अब पहले जब यात्रा इन्होंने की है ना तिब्बत की ओर, तो तब ये भिखमंगे बन के आए थे। हमने पहले पढ़ा है कि भिखमंगे का जो छद्म वेश है वह धारण करके आए थे, लेकिन 5 साल बाद में जब हम इसी रास्ते से आए हैं तो भिखमंगे नहीं हैं, एक सज्जन यात्री के रूप में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी। अब जब भिखमंगे थे ना तो उस समय रहने के लिए जगह नहीं दी थी, और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। अब देखिए उस समय जो है कि भिखमंगे थे तो सबसे गरीब झोंपड़े के अंदर जाकर ठहरना पड़ा था इनको। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है। मनोवृत्ति मतलब कि उनके मन में कैसे विचार आते होंगे तो उस पर भी निर्भर करता है ये। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश आवाज़ को दुरुस्त रखती हैं, कि छंग जो है, अब ये छंग क्या है, एक प्रकार की मदिरा है, तो उसको पीकर जो है यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही अपने कम अपने होश आवाज को दुरुस्त रखते हैं, ठीक रखते हैं। अब हमें सबसे निकट विकट जो डांडा थोलड़ा पार करना था। अब ये डांडा क्या है? अब ये डांडा जो है ऊंची ज़मीन को कहा जाता है, कि सबसे पहले जो विकट जो डांडा थोड़ला था उसको पार करना था। अब ये थोड़ला मैंने पहले बता दिया है कि तिब्बत जो तिब्बत सीमा है उसका एक स्थान का नाम है, और डांडा जो है ऊंची ज़मीन, यानी कि ऊंची ज़मीन जो डांडा जो तिब्बती सीमा का एक स्थान है और वहाँ पे जो ऊंची ज़मीन है उसको पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं, जगहें मतलब अब जगह का बहुवचन, जगहें कि जो डांडे हैं यानी कि ऊंची ज़मीन है ना, काफ़ी खतरे का स्थान है ये। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। अब 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई पर होने के बावजूद इनके दोनों तरफ कोई गांव नहीं है दूर तक मीलों तक। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता।
अब देखिए कैसी स्थिति है, निर्जन कह सकते अपनी, वहाँ पे मनुष्य जो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। डाकों के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। अब देखिए क्योंकि निर्जन है, वहाँ पे मनुष्य रहते नहीं, बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, तो ये डाकू के लिए बहुत ही उचित स्थान है, क्योंकि सरकार जो खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्चा नहीं करती, और वहाँ पे गवाह भी नहीं मिलते हैं, गवाही देने वाले। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। अब देखिए डकैत पहले आदमी को मार देते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि पैसा है या नहीं है। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। अब हथियार का कानून यानी कि पुलिस का जो कानून है वहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे लाठियों की जगह पे लोग पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते रहते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला के पास खून हो गया। थोडला मैंने आपको बताया था कि तिब्बत सीमा का एक स्थान है, तो वहाँ पे कुछ समय पहले ही पिछले साल जो है खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। अब देखिए छदम वेश में गए जा रहे हैं ये भिखमंगे के रूप में, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीव निकाल कुची कुची यानी कि दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और देखिए भिखमंगे के रूप में जा रहे हैं, और कोई भी अगर इनको मिल जाता तो भोली सूरत बना के टोपी उतार कर जीव निकाल कर कुची 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 का मतलब दया दया कि एक पैसा देना है ना, तो भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की जो ऊंचाई है काफ़ी थी, तो पीठ पर सामान भी लाद कर कैसे चलते वो। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। अब अगला पड़ाव जहाँ ठहरने का स्थान है ना, वो 16-17 मील से भी नज़दीक नहीं था। मैंने सुमति से कहा, अब सुमति मैंने आपको पहले बताया है कि इनके साथ में चलने वाला जो यात्री है बौद्ध भिक्षु है, मंगोल भिक्षु जो है वो था, तो उसका नाम सुमति रखा था इन्होंने। तो मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। अब लंकोर जो है ये स्थान का नाम है। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। अब डांडे मैंने आपको बताया था ऊंची ज़मीन है, कि पहले हमने डांडे से पहले चढ़ने से पहले हमने चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। श्वेत मतलब सफ़ेद। भिंटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। अब ये भिंटे क्या है? अब भिंटे जो है टीले के आकार का सा ऊंचा स्थान होता है, उसको भिंटे कहा जाता है। अब जो टीले के समान यानी कि रेत से ढका हुआ जो होता है ना, उस प्रकार का स्थान है ये, तो टीले के आकार का ऊंचा स्थान है ये। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। अब जो टीले के समान स्थान है तो उसके जो पहाड़ हैं बिल्कुल नंगे हैं। नंगे का मतलब कि उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई हरियाली नहीं है, कोई बर्फ़ नहीं है। तो उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अब उतराई पहले तो हम चढ़ रहे थे, पहले ऊपर चढ़ गए हैं, लेकिन अब हमें नीचे की तरफ चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया, और मैं दोनों के वक्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़े आगे जा रहे हैं या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। दो रास्ते मतलब कि दोराहा जो है वो आ चुका था। अब ये दोनिक वस्तु जो है ये क्या था, कौन है ये स्पेनिश उपन्यासकार हैं।
जो सारवे तेज 17वीं शताब्दी के उपन्यास डॉन क्विक्जोट के नायक जो घोड़े पर चलता था, तो ये अपनी जो संज्ञा है उसे दे रही हैं। तो कहते हैं कि जैसे जैसे मैं घोड़े को जोर देता तो वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील डेढ़ मील चला गया। आगे एक घर से पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौट कर उसी को पकड़ा, यानी कि दो रास्ते थे ना, तो ये गलत रास्ते पर चले गए। पहले 4-5 बजे के करीब मैं गाँव में से मील भर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुँह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फू डाले मतलब जला दिए। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुँचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुकपा मिला। अब यह सत्तू क्या है? जो सत्तू है वो भुने हुए अन्न, यानी कि जिसमें जो चने का आटा होता है उसको मिला के बनाया जाता है। और जो थुकपा है वो क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सत्तू या चावल के साथ मूली हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह जो होते हैं वो पकाया गया खाद्य पदार्थ होता है, उसको थुकपा कहते हैं। तो गर्मा गर्म थुकपा जो है, लेई जैसा जो है एक तरल पदार्थ उनको दिया गया साथ में रात के समय। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। तिंगरी मतलब स्थान का नाम है ये, तो वहाँ पे थे। जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है, उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। अब ये गंडा क्या है? गंडा है कि मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, उसको गंडा कहा जाता है। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। अब ये भरिया क्या है? भरिया कहते हैं भारवाहक को, जो भार ढोने वाला होता है, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। अब क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जब धूप पड़ती है तो बहुत तेज़ पड़ती है, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रही हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़ी। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। अब देखिए, अब इनके यजमान वहाँ भी थे, तिंगरी में थे, तो वहाँ ये चलने के लिए कहते हैं, तो ये बहाना करते हैं कि शेखर बिहार की ओर चलना है तो वहाँ चलते हैं। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी बिहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। अब क्योंकि जो तिब्बत में बड़े छोटे जागीरदार भी हैं, छोटे बड़े जागीरदार हैं, और जो जागीरदारों का बहुत सा जो हिस्सा है जागीरों का, वो बौद्ध मठ जो हैं, जो बिहार हैं, उनके अधीन है। तो वहाँ पे जो खेती वगैरह होती है तो उसका काम देखने के लिए भिक्षु को भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता।
शेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसिंह बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी कि बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। अब देखिए कंजूर जो है वो बुद्ध वचन अनुवाद हैं, जो महात्मा बुद्ध ने वचन दिए थे ना, उपदेश दिए थे, तो उनका अनुवाद है, ये हस्तलिखित है, 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा, पर बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। 15-15 शेर का मतलब 15-15 किलो से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिकरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। अब देखिए किस प्रकार की स्थिति इसमें बताई है। इन्होंने वर्णन किया है कि यहाँ पे जो छोटे बड़े जागीरदार हैं, लेकिन उनकी जो भूमि है तो उसकी देखरेख करने के लिए राजा के समान जो भिक्षु को भेजा जाता है, तो वह उनके लिए राजा के समान है और उसका जो अंश है वो मठ में दिया जाता है। तो ये जहाँ ठहरे थे तो वहाँ पे भिक्षु नमसे जो है उस स्थान पे थे, नियुक्त किए गए थे। तो वहाँ शेखर जो है उसकी खेती, शेखर भी एक जागीर है, तो उसके जो मुखिया है भिक्षु नमसे थे और जो काफ़ी भद्र पुरुष थे, तो उनसे मिलना हुआ। और वहाँ पे एक मंदिर था और उस जगह पे बुद्ध वचन जो अनुवाद में लिखित 103 पोथियाँ थी, जिनको कंजूर कहा जाता है, तो वहाँ पे रखी हुई थी। अब देखिए लेखक तो लालायित रहता है इतिहास को पढ़ने के लिए, जो जानकारी उसको पढ़ने के लिए, तो वह उनको पढ़ने में मस्त हो जाता है। और जो सुमति है अपने यजमानों से मिलने के लिए इनसे इच्छा जाहिर करता है, तो लेखक कहता है कि मैं पुस्तकों के भीतर था इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। अब उन्होंने सोचा कि जो सुमति है 2-3 दिन बाद में आएंगे, लेकिन वह तो शाम दोपहर तक ही लौट आए और तिकरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। जिस गांव में हमें जाना था वो ज़्यादा दूर नहीं था। तो इसके बाद में हमने दोपहर बाद जो है अपना सामान अपनी अपनी पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वहाँ से चल दिए। ये थी जो राहुल संकरदाय द्वारा ल्हासा की यात्रा की गई, तिब्बत की यात्रा जो की गई है, जिसका अत्यंत ही मनोहारी कह सकते हैं, हर प्रकार से सूक्ष्मतापूर्ण जो वर्णन इसमें किया गया है। तो ऐसा अनुभव होता है कि हम भी स्वयं उस यात्रा में शामिल हैं और उन्हीं जो सुखों को या कष्टों को हम भी अनुभव कर रहे हैं। ये था राहुल संकरदाय द्वारा लिखा गया ल्हासा की ओर यात्रा वृतांत, जिसका हमने अध्ययन किया है। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ही अपनी बात को विराम देते हुए धन्यवाद।